नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दिशा में, दिशा रेड लाइट एरिया, जहां पे 10 दिन पहले आसनसोल एडीसीपी द्वारा छापेमारी की गई थी। गुप्त सूचना के मुताबिक यहां पे जानकारी मिली थी कि यहां पे जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उनसे ला करके अवैध तरीके से उन्हें यौन कर्मी बनाया जाता था, जिसके बाद आज 10 दिन के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया कि यहां पे नाइट कर्फ्यू का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सुचारू रूप से दिशा को चालू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। यहाँ के लोग इस दौरान कितना परेशान रहे हैं, यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं वो लोग किस तरह से लॉकडाउन जो है 2 साल लॉकडाउन को झेले हैं, झेलने के बाद फिर इधर अचानक से जो पुलिस की छापेमारी की गई, इस दौरान लोग कितना परेशान हुए हैं। यहाँ के जो आम दुकानदार हैं या आम लोग हैं जो यहाँ से अपना रोजगार करते हैं, उन लोगों पे अभी क्या परेशानियाँ उन लोगों को आ रही है, ये चीज़ हम दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ के स्थानीय जो नेतागण हैं, स्थानीय जो लोग हैं या बासिंदे हैं जो, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि यहाँ पे आखिर क्या ऐसी घटना हुई थी जिस कारण दिशा में छापेमारी की गई, उसके बाद आज 10 दिन के बाद फिर से सुचारू रूप से उसे चालू किया जा रहा है। मैं मोहम्मद सद्दाम, कैमरामैन अलादीन खान। आपका परिचय? मेरा नाम टिंकू वर्मा है, हम लोग यहीं सीतारामपुर के स्थानीय बासिंदा है और एक राजनीतिक दल से भी हम लोग जोग रखते हैं। अच्छा, आज आपसे वार्ता करने का एक खास वजह यह है कि बीते बुधवार को लच्छीपुर दिशा जन कल्याण केंद्र में व्यापक तरीके से पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा छापेमारी की गई थी। तो ये दिशा जन कल्याण केंद्र क्या है और यहाँ पे किस तरह के कार्य होते हैं? देखिए, पहले तो पुलिस का हम बहुत सराहना करेंगे कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जो सीपी साहब है अजय ठाकुर जी, उनका नेतृत्व में जो छापा पड़ा ये बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से इस क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों को लाकर अवैध तरीका से यौन कर्मी बनाने का जो काम चल रहा था उसका नकल कसना बहुत ज़रूरी था, जो समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी था। और रहा दिशा जन कल्याण केंद्र, ये एक दिशा जन कल्याण केंद्र नाम हमारे पुरातन जब IPS ऑफिसर थे एडिशनल SP यहाँ के सोमन मित्रा साहब, उस समय ये दिशा के नाम से एक NGO का वहाँ पर निर्माण किए थे, जिससे कि यौन कर्मियों के बच्चे और जो यौन कर्मी स्वास्थ्य से लाचार या निर्भीक रूप से काम करना चाहती हैं तो उनको स्वास्थ्य चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, उनके बच्चों का आत्मनिर्भर एक प्रकल्प की तरह से तैयार किया गया था NGO के माध्यम से। वो उस समय सोमन मित्रा साहब जो अभी पुलिस कमिश्नर कोलकाता में हैं उनके द्वारा ये तैयार किया गया था। तो ये जो पुलिस द्वारा जो रेड किया गया है इससे क्या नफा नुकसान हो रहा है? देखिए, नफा नुकसान का तो कुछ नहीं है, समाज के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। आज समाज को जो हम लोग जोड़ के रखे हैं, समाज में हर स्तर के लोग रहते हैं, लेकिन आपका एक तो दायरा है, एक जगह दिया हुआ है, उस जगह से आप किस तरह से विस्तार हो रहा है। वहाँ एक जो हमने आपके मीडिया के माध्यम से देखा है कि वहाँ 100 कमरा, 150 कमरा, 150 कमरे के ऊपर 150 दुकान, जिस तरह से गली कुची में, ये सब का परमिशन कौन दिया? हम तो आपके मीडिया के माध्यम से आवेदन करेंगे पुलिस कमिश्नर जी अजय ठाकुर जी को कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर, तत्कालीन काउंसिलर जो उस वार्ड के थे जनप्रतिनिधि, इन सभी का ऊपर में जबरदस्त कार्रवाई हो कि ये लोग किस तरह से इस बिल्डिंग उल्डिंग का निर्माण करें, अवैध दुकान का निर्माण हुआ है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो इस तरह से ये छोटा पैमाने पर जो दलाल चक्र है, जो वहाँ पर दलाली करके खा रहे पी रहे, वो लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे। वो 10 दिन जेल में खटेंगे हम लोग, उसके बाद तो फिर हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो इसको अगर बंद करना है तो सबसे पहले उसको बिल्डिंग को धराशायी करना चाहिए। अच्छा, इस ये जो रेड हुआ है इसमें कुछ दलाल, कुछ दुकानदार, कुछ यौन कर्मी और कुछ ग्राहक भी पकड़े गए हैं, इसके अलावा भी क्या ऐसा कोई पर्सन है जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उचित होता कार्रवाई होने चाहिए? उस समय जो तत्कालीन विधायक थे, तत्कालीन जो उस समय मेयर इन काउंसिलर जो काउंसिलर थे उस वार्ड के, इन लोगों को तत्परता से इंक्वायरी किया जाना चाहिए। ये सिर्फ जो घटना घट रहा था वहाँ पर, ये एक तो साधारण आदमी नहीं है, 10 और 5 आदमी का काम नहीं है, ये एक तो सिंडिकेट है, अगर आप बोले तो TMC का सिंडिकेट था, ये सिंडिकेट का माध्यम से ये वाला हुआ है। अच्छा, इतने बड़े बड़े जो भवन बनाए गए हैं तो इस पे तो आसनसोल नगर निगम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए, आसनसोल नगर निगम पर कार्रवाई होने का माध्यम तो आपका काउंसिलर है जो उस वार्ड का था। अब काउंसिलर अगर उस मैटर को अगर वहाँ तक जाने नहीं देता है तो
तो मेयर और जो उसमें तत्कालीन मेयर थे उनका करना किस तरह से वो अपना काम कर सके। अच्छा, आप तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ का सिस्टम क्या था, क्या संचालित वगैरह किस तरह से होता था वहाँ? देखिए, काफ़ी समय से तो हम लोग गए नहीं। एक समय जब दिशा जन कल्याण केंद्र का जब नींव रखा गया था तो उसमें जब हम तत्कालीन पत्रकार थे तो उस समय हम पत्रकार के माध्यम से वहाँ जाते थे। आज विगत 10-15 साल से मैं उसके अंदर गया नहीं, लेकिन हम लोग रोड रास्ता से जो देखते हैं कि वहाँ पुलिस का चौकी बना हुआ है अंदर में, और वर्दीधारी पुलिस लोग खड़े रहते थे, और खड़े रहकर क्या सिस्टम था उनका पुलिस का पैसा लेना है, कभी इस गेट वो एक नंबर गेट है, ये 3 नंबर गेट है, ये 4 नंबर गेट है, इस तरह का माध्यम वहाँ एक बना हुआ था। तो पुलिस के रहते हुए फिर पुलिस का ही रेड हुआ, ये एक चिंताजनक बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस अपने आप अपने लगे दाग को भी बचाने की कोशिश कर रही है। हम पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर जी से कहेंगे, आवेदन करेंगे एक साधारण नागरिक के नाते, कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो कि इस चीज़ का जो पीछे में जो नाबालिग लड़कियों को लाना और जिस तरह से अवैध निर्माण हुआ है, इस सारे चीज़ का अच्छा से इंक्वायरी हो और अवैध निर्माणों को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। पहले बुधवार से जो रेट पड़ा था उसके बाद से लगभग बंद ही था दिशा जन कल्याण केंद्र, अभी मालूम चला है कि फिर से वो शुरू होने जा रहा है सुबह 6 से 9 बजे तक, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 6 से 9 चालू हो रहा है, अगर पुलिस इसको चालू करवा रही है अच्छी बात है, इसलिए कि वहाँ जो स्वेच्छा से यौन कर्मी है, जो भरण पोषण जिनका पेट चल रहा है, दुकानदार है जिनका पेट पोषण चल रहा है, ये उनके हिसाब से अगर आरंभ किया गया है ठीक है, उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो नियामतपुर पुलिस के यहाँ पर जो पहले जब भी कोई बाहर से कोई आते थे या जाते थे, या जो एंट्री होता था लड़की का आना या कोई नाबालिग लड़की का आना जो भी था, तो उसमें पुलिस के पास एक खाता रहता था और पुलिस फाड़ी में बैठ के, नियामतपुर फाड़ी में, उसका डिक्लेरेशन, आधार कार्ड, पदार कार्ड सब देख के उसे अलाउ करती थी। लेकिन आज ये सिस्टम कहाँ चला गया? अगर पुलिस ये सिस्टम को लागू रखती तो ये इस तरह का बिल्डिंग भी नहीं बनता और इस तरह का नाबालिग लड़की भी नहीं आता। तो ये सिस्टम आज 3-4 साल से बंद है। क्यों बंद है, इसका भी जवाब पुलिस को ही देना पड़ेगा, इसलिए कि पुलिस की भूमिका सबसे अहम है लच्छीपुर दिशा जन कल्याण के लिए। लच्छीपुर रेड लाइट एरिया के सामने जो पार्किंग है हमेशा विवाद में रहा है, अवैध पार्किंग को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विवाद में तो रहेगा ही, एक तो लच्छीपुर ऐसे ही विवादित जगह है, उसके बाद इस क्षेत्र को बदनाम करने के लिए भी उसे एक अलग तरीका से बदनाम करने का रास्ता बना दिया गया। झारखंड, बिहार, आसनसोल, दुर्गापुर, कलकत्ता का कोई भी गाड़ी अगर वहाँ आता है तो जो फीस एक तो पार्किंग का शुल्क होना चाहिए, एक गाड़ी का शुल्क 100 रुपया, वहाँ लगता है 500 रुपया। 500 रुपया के साथ फिर वही जो लड़का पकड़ के लेके जाएगा गाड़ी को, आपको पार्किंग में लगाएगा, एक तो दलाल चक्र है, फिर उसी दलाल चक्र के माध्यम से दुकान में जाना पड़ेगा, दुकान में जाकर फिर वहीं पर आपको खाना पीना पड़ेगा, इस तरह का जो चक्र है। हम लोग जब जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो उसमें ये सब चीज़ को सामने में आया था। और पार्किंग का अगर रेट 20 लाख से ऊपर रहेगा तो ये ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि सभी समझ जाएंगे कि यहाँ पर कैसा कारोबार चल रहा है। पार्किंग का लड़ाई भी वहाँ पर ही हुआ है, वहाँ पर पार्किंग को लेकर 3-4 दल खुद से लड़ चुके हैं। आपको तो आश्चर्य वाला बात बता दें कि वहाँ बगल में ही गांधी जी के बोल के एक कुश्ती पल का कार्य स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र को भी इन लोगों ने पार्किंग बना दिया था, बोर्ड ऑफ हेल्थ से जो चलता है, माइंस ऑफ बोर्ड ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में तालाब है बगल में, देखिए तालाब को भर के दुकान बनाया जा रहा है, माने जितना इनलीगल काम है सारा काम अब वहीं पर ही होता है। और सारे के पीछे में जितने यौन कर्मियों का दोष नहीं है, उतना ज़्यादा दोष आपका पुलिस का है, उतना ज़्यादा दोष आपका वहाँ के स्थानीय नेता लोगों का है, जो नेता लोग इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ के काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं, साथ ही एक समाज सेवक भी हैं, तो दिशा के बारे में आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा या लच्छीपुर बोलिए, तो इस जगह के आप काफ़ी पुराने बासिंदे हैं, साथ ही साथ यहाँ के सोशल वर्कर भी हैं, दिशा क्या है ये हमारे चैनल के माध्यम से आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, आप लोग जो पहले बात है जो बोल रहे हैं दिशा, कि पहले दिशा नहीं था, पहले था लच्छीपुर ढाल बोलकर, यही था। सोमन मित्री साहेब जब एडिशनल एसपी होकर आसनसोल में आया तब उन्होंने उन लोग के बारे में कुछ सोचा कि यहाँ का लड़की लोग जो है उन लोग का भविष्य के लिए, उन लोग का बाल बच्चा के लिए, उन लोग का एजुकेशन के लिए, उन लोग का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर चीज का सुमन मित्र साहेब सोचा और उसका साथ
शामिल हम भी था, तो उन लोग का डेवलपमेंट करने के लिए, उन लोग का अच्छा रास्ता में ले जाने के लिए सुमन मित्र साहब जो सोचा था व किया था, शायद कोई ने किया है कि ना। वो जो जमीन जो आप लोग दिशा का सामने में है, वो हमें उसका जमीन था। सुमन मित्र साहब का बात पर हम लोग डोनेट कर दिया, क्योंकि वहां का जो औरत लोग लड़की लोग है, उन लोग का बाल बच्चा का अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा समाज में वो लोग जा सके। अभी जो दिशा में हाल में ही रेड जो पड़ा, ये रेड करने का मतलब रीजन क्या था, मेन कारण क्या था? देखिए मेन कारण है, हम लोग का पास जो खबर है कि छोटा छोटा नाबालिका अंडर एज लड़की लोग को कुछ दलाल, कुछ दुकानदार, कुछ बारी का मालिक एक साथ में होकर उन लोग को ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन लोग को यही व्यवसाय में उतार दे। तो वो लोग को तो अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो लोग के बस का तो ये काम नहीं है। इसके अलावा यहाँ का जो लोकल पार्षद है या फिर विधायक रह चुके कोई, तो इन लोगों को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? देखिए पहले ये जो वार्ड, पहले था 5 नंबर, उसका बाद हुआ था 7 नंबर। जब उस घड़ी हमें था यहाँ का माने काउंसलर 5वें भी 7वें भी, उसका बाद हो गया जब 7 में हम काउंसलर है, उसका बाद मैं वाइस चेयरमैन हुआ था कुल्टी म्युनिसिपैलिटी का। उसका बाद जब कॉरपोरेशन में एमलगेमेटेड हो गया कुल्टी म्युनिसिपैलिटी, तभी वार्ड हो गया 59। हम लोग का पहले 7 नंबर जो था वार्ड, वो आपका आकन बगन बाउड़ी पड़ा, मुस्लिम पड़ा, ग्वाइला पड़ा, लचीपुर, बेलरुई, समूचा लेकर एक तो वार्ड था, काकरसुल, दिशा, चपका, सब लेकर एक तो वार्ड था। वो लोग का सुख दुख मुसीबत सब कुछ हमें इधर उधर देखता था। 40 साल से वो लोग हमारा ऊपर निर्भर थे। जब ये वार्ड 4 भाग हो गया, 7 नंबर वार्ड, कब हुआ था, कौन सा साल? यही आपका 2009 में, 2014 में क्या हम लोग 2 से 9, 14 में जब हम लोग का एमलगेमेटेड हो गया 14 में, वही घड़ी ये वार्ड आपका 59 में चल गया। ये वार्ड कहाँ से गया? आपका साल कनाली दिशा से लेकर मस्जिद माला से लेकर विष्णु विहार तक, ठीक है। तब क्या होगा, ये वार्ड में हम लोग का पार्टी का निर्देश के अनुसार कैंडिडेट हुआ, हम चल गया बगल वाला। अब जो यहाँ का पार्षद हुआ, शायद उसका हर चीज का मालूम नहीं हो सकता, नया है माने, तो भी उन्होंने जो किया किया ठीक ही है, जितना उसका दाड़ा से होगा कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ की महिलाएं जो है, यौन कर्मी जो है, वो लोग इस रेट के बाद भयभीत है काफी, तो उन लोगों के देखिए एक तो बात बोलता है प्रशासन, एक तो चीज ऐसा है पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो ऐसा चीज है सबको डरने पड़ेगा चाहे जो भी हो, क्योंकि वो लोग आईन का रक्षक है, आईन वही लोग का हाथ पर, तो आईन को तो डरना सभी को है, चाहे मैं हूं बा कोई भी हो। तो इसीलिए और वो लोग तो दिशा का औरत है, दिशा का आदमी लोग है, इतना भारी रेट उस दिन जो हुआ, आज 40 साल से पहले हम बोल रहे कभी नहीं हुआ था। वो जो दिशा है उसके लिए नेमतपुर जो ICI उसका जो बड़ा बाबू वही काफी है, लेकिन उस दिन हम लोग का DM साहब को भी आने पड़ा, CP साहब को भी आने पड़ा, हम लोग का अनन्ना चक्रवर्ती को आने पड़ा। ऐसा काम हम लोग किया, कहे ऐसा काम करेगा, ऐसा काम काहे करेगा? हमारा और एक प्रश्न है, ये हम मालूम नहीं है कि पुलिस प्रशासन का नजर में था कि नहीं था, वो लड़की लोग जो आ रहा है जा रहा है। तो अगर प्रशासन एक दो बार अगर अपने नजर डालता
इतना नहीं होता, जो भी है हो गया हो गया। अभी मैंने प्रशासन से बात किया, न्यामतपुर आईसी कुल्टी आईसी के डीसीजर साहब से सबसे बात किया, बात करने का बाद उन लोग हम उन लोग को एक ही बात बोला, सभी दोषी नहीं है, कानून में जो दोषी है जो सजा आपको देना है कानून में दीजिए, हम लोग उसमें भूलने नहीं जाएंगे। वहां पर 15-20 गो कि 25 गो फैमिली वहां पर इस सब में शायद होगा जो, लेकिन वहां पर 400 से ज्यादा फैमिली आए, तो बाकी फैमिली लोग क्यों ये हरेसमेंट में रहेगा, उन लोग के लिए आप लोग सोचिए, सोचकर कोई एक तो रास्ता निकालिए जैसे वो लोग बचेगा, और ये काम तो जैसे आइंदा कोई ना कर सके। प्रशासन से मेरा यही बात हुआ, प्रशासन हमारा बात पर एग्री है, सब लोग चेष्टा कर रहा है, अभी हल फिर खुल गया, फिर प्रशासन बैठेगा। अभी कितना बजे से कितना बजे तक खुल? अभी आए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, उसका बाद है आपका नाइट कर्फ्यू, जो हम लोग का पश्चिम बंगाल सरकार का है, सुबह रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वही गरीब रहेगा बंद। इसका बाद जब नाइट कर्फ्यू उठ जाएगा तब एडमिनिस्ट्रेशन साइड जो है सीपी साहब डीडीआई साहब बा कुल्टी फाड़ी एडीसी सब सोचकर जो अच्छा होगा वो करेगा, और हम लोग को जितना मदद करना है प्रशासन को हम लोग करेंगे। धन्यवाद।